बिहार के सीवान में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की टीम ने छापेमारी की। ये छापेमारी पूरे जिले में हुई। एक साथ जिले के 99 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी होने से हड़कंप मच गया। अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वाले कई संचालक छापेमारी की सूचना मिलते ही सेंटर का बोर्ड व बैनर फाड़कर सेंटर में ताला लगाकर फरार हो गए। जब तक पूरे जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की सूचना उनके मालिकों को लगती, तब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम जिले के 99 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी कर चुकी थी। हालांकि 27 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर अनियमितता पाए जाने पर सीज कर दिया गया। एसडीओ ने कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कागजातों के साथ साथ अन्य कई प्रकार की जाँच की गई। यह जांच जिले के सभी ब्लॉकों में एक साथ चलाया गया। उक्त प्रखंडों के थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारियों की टीम प्रत्येक ब्लॉक में बनाई गई थी। यह सभी ने अपने अपने थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सीज करने में अहम भूमिका निभाई। सब सरकारी है सर, सर सब नहीं है, सिविल सर्विस है। वही तो चक्कर हो गया कि डीएम को पावर मिल गया सर अल्ट्रासाउंड। हाँ ये सब चक्कर होगा। अभी चारों सील करके आया है, दो सील उधर किया हम लोगों ने। महिला स्टेटमेंट दे दी कि ये कर रहे थे हम अल्ट्रासाउंड। क्या नाम तो महिला का? ज्योति, ज्योति कुमारी। कमला कमला वाले से आई थी। सर, नहीं 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 स